हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम विक्की मिगलानी है और मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ। हमारी आज की इस ई लर्निंग क्लास के अंदर हम लोग मोटिवेशन की प्रोसेस और उसकी टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। मोटिवेशन की प्रोसेस और टेक्निक्स का जो ये टॉपिक है, ये हमारे बीबीए के, बीकॉम के और हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे जो है बहुत प्यार दिया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन अभिप्रेरणा किसे कहा जाता है? इंग्लिश का जो ये मोटिवेशन शब्द है, ये लिया गया है हमारे टू मोटिवेट शब्द से, जिसका मतलब होता है एक लेटेंट पावर, एक छिपी हुई शक्ति। छिपी हुई शक्ति क्यों? क्योंकि ये हमारी अदृश्य शक्ति है, लेकिन ये शक्ति इतनी ताकतवर है जो किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है। और मेरे हिसाब से इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जो कोई काम करता है, उस काम को करने के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं, तो उस काम के पीछे हमारी कोई ना कोई नीड, हमारी कोई ना कोई वॉन्ट्स जुड़ी हुई होती है। उस कह सकते हो कि हमारी अनसेटिस्फाइड नीड को या वॉन्ट को हम लोग पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। क्योंकि अगर ये प्रेरणा ना हो, ये शक्ति हमारे पीछे ना हो, तो शायद हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी संस्था हो, उस संस्था के अंदर हम सभी जानते हैं कि संसाधन जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम उन संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करें, तो हमें अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना पड़ता है, ताकि वो उन संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। हमारी जिंदगी में हमारा हर एक काम किसी ना किसी जरूरत से, इच्छा से जुड़ा हुआ होता है, और वो इच्छा ही हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन का मतलब होता है टू मोटिवेट, प्रेरित करना। टू इंड्यूस पीपल मतलब कि लोगों को राजी करना, प्रेरित करना। किस लिए? टू एक्ट इन अ डिजायर मैनर, किसी भी काम को करने के लिए। आज की इस दुनिया के अंदर अगर हम देखें कि बहुत सारे बिजनेस टाइफून्स हैं या कोई भी सेलिब्रिटी है, तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम भी वैसा करें। हमारे मन में जो वो इच्छा है वो जागृत होती है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। जैसे इस दुनिया में इंसान सभी अलग अलग हैं, वैसे ही सभी की आवश्यकताएं, सभी की इच्छाएं भी अलग अलग हैं। एक प्रेरणा अगर किसी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरित करे, क्योंकि सबके लिए उनके मोटिवेटर्स भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर एक पॉलिसी है कि अगर कर्मचारी समय पर आएंगे, तो साल के अंत में मैं उन्हें एक कार जो है वो गिफ्ट करूंगी। ठीक है, अब एक कर्मचारी ने वो कार जो है वो प्राप्त कर ली, वो पूरा साल जो है समय पर ऑफिस में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर अब उसके पास कार है, उसको कार की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है दूसरे साल वो चीज उसके लिए मोटिवेटर का काम ना करे। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऑल द नीड्स आर नेवर एंडिंग, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए जो मोटिवेशन है वो हमारी लगातार चलती रहती है, इसका कभी भी अंत नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी इच्छा है, जो किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा हम लोग किसी भी तरीके से दे सकते हैं, चाहे हम लोग वो फाइनेंशियल तरीके से दें, चाहे वो हम लोग नॉन फाइनेंशियल तरीके से दें, पॉजिटिव तरीके से दें, नेगेटिव तरीके से दें, तो किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करने की जो भावना है, उसे ही अभिप्रेरणा का नाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन हमारे प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि हम लोगों ने प्रबंध के कार्यों में पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग के मतलब क्या है कि हम लोगों ने कर्मचारियों को काम दिया, लेकिन क्या वो कर्मचारी वैसा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अब हमने क्या करना है, उन्हें प्रेरित करना है।
क्योंकि कर्मचारियों का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप ही काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों को पुश करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है, उन्हें कोई ना कोई लालच देना पड़ता है ताकि वो जो है काम करते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी संस्था है, कोई भी काम है, उसका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लगातार काम करते हैं और उस काम को करवाने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए ये एक मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सेकंड, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। मोटिवेशन कभी भी खत्म नहीं होती। खत्म जैसे हमारी नीड्स नहीं होती, हमारी वॉन्ट्स नहीं होती, हमारी एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है हमारे मन में दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। वैसे ही जब इच्छा जागृत होगी तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपने आप को या सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। तो जैसे नीड्स खत्म नहीं होंगी वैसे ही हमारी ये जो मोटिवेशन है ये भी लगातार चलती रहती है। क्योंकि अगर आज एक संस्था का उद्देश्य पूरा हो गया है तो इट मीन्स कल कोई और उद्देश्य होगा, कोई और लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने लगातार कर्मचारियों को प्रेरित करना है। तो ये हमारी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट, इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक आंतरिक भावना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज अ लेटेंट पावर, ये एक छिपी हुई भावना है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी हम लोगों को काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। क्योंकि ये भावना हमारे अंदर से आती है कि हमने जो है काम करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये एक इंटरनल फीलिंग है। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव मीन्स सार्वभौमिक, कि मोटिवेशन की जरूरत हमें हर जगह हर स्तर के ऊपर पड़ती है, चाहे वो हमारा उच्च स्तर हो, चाहे वो हमारा मध्यम स्तर हो, चाहे वो हमारा निम्न स्तर हो, या हमारा घर हो, हमारा ऑफिस हो, हमारा कोई भी फील्ड हो, हमें हर कदम पर एक दूसरे को प्रेरित करने की जरूरत जरूर पड़ती है। क्योंकि शायद ही ऐसा कोई काम कोई व्यक्ति हो जिसे हम लोग प्रेरित ना करें। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी ऑफिस के अंदर काम करती हूँ, मेरा जो बॉस है मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि 3-4 साल के बाद मैं भी उस पोजीशन पर उस पद पर हूँ, तो इस मीन्स मैं जो है उनको देखकर मोटिवेट हो रही हूँ, वो मेरे लिए एक मोटिवेटर का काम कर रही है। इसलिए ये एक सार्वभौमिक है, इसकी जरूरत हमें हर क्षेत्र में पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी संस्था के अंदर बहुत सारे संसाधन होते हैं, मैन है, मनी है, मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन मोटिवेशन का संबंध हमारे मानव से है, हमारे ह्यूमन से है। क्योंकि हम मोटिवेट जो है वो कर्मचारियों को करते हैं, इंसानों को करते हैं, ना कि एनिमल्स को, ना कि पशुओं को। क्योंकि किसी भी संस्था के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमने उनका मैक्सिमम बेटर यूटिलाइजेशन करना है और इसके लिए हम कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कंसेप्ट। मोटिवेशन अभिप्रेरणा हमारे प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि अभिप्रेरणा की जरूरत हमें पड़ती है कर्मचारियों के लिए, ताकि कर्मचारी अच्छा काम करें और हमारी संस्था के लक्ष्य, हमारी संस्था के उद्देश्य पूरे हों। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का टूल भी है। इम्प्रूवमेंट का टूल कैसे? मान लीजिए संस्था के अंदर किसी कर्मचारी ने बहुत अच्छा काम किया, संस्था ने उसे प्रमोट कर दिया, उसे कोई रिवार्ड दे दिया, उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी, तो दूसरे कर्मचारी भी उसे देखकर प्रेरित होते हैं कि हम भी अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिलेगी, हमारी भी जो सैलरी है वो इम्प्रूव होगी। वो लोग भी उन्हें देखकर मोटिवेट होते हैं। और ये मोटिवेशन हमें किसी से भी मिल सकती है, किसी भी सेलिब्रिटी से मिल सकती है, किसी भी बिजनेस टाइफून से मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे मानव से संबंधित है। क्योंकि जो भी हम प्रेरित करते हैं वो कर्मचारियों को करते हैं,
संस्था के अंदर जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे इम्प्लॉयज हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर किसी संस्था के अंदर मानव संसाधन ना हो तो जितने भी बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो हमारे लिए इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन वो अच्छा काम करें इसके लिए हम लोग उन्हें अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। लास्ट पॉइंट, कैन बी गिवन इन अ मैनी वेज। ये भी प्रेरणा हम लोग कर्मचारियों को कई तरीकों से दे सकते हैं। चाहे हम लोग उन्हें पॉजिटिव तरीके से दें, नेगेटिव तरीके से दें, हम लोग उन्हें इंडिविजुअली दें, हम लोग उन्हें ग्रुप में दें, तो ये जो मोटिवेशन है वो हम लोग किसी भी तरीके से दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूर इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मोटिवेटर है वो एक व्यक्ति के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए सेम नहीं हो सकते। एक व्यक्ति का अगर एक मोटिवेटर है तो जरूरी नहीं कि वो मोटिवेटर दूसरे व्यक्ति को भी वैसा ही काम करने के लिए प्रेरित करे। तो ये थी हमारे मोटिवेशन की फीचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, अब हम शुरू करेंगे कि हमारी अभिप्रेरणा की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया, इट मीन्स ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर खत्म होगी। जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे वो हम लोगों ने सीरियल वाइज करने हैं। कोई भी स्टेप, कोई भी पॉइंट हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये अभिप्रेरणा आती कहाँ से है, कैसे कोई व्यक्ति काम करने के लिए मोटिवेट होता है, इसे हम लोग नीड सेटिस्फेक्शन प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। किसी भी अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीड्स की तरफ। नीड्स, आवश्यकता। ये आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता का अर्थ है वो आधारभूत चीजें जिनके बिना हम लोग शायद जीवित भी नहीं रह सकते। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में हम ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान उसकी बेसिक नीड्स है, क्योंकि इनके बिना किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो शुरू नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे मनी अर्न करनी है, क्योंकि वो पैसा कमाना मेरे लिए एक नीड है, क्योंकि उस पैसे से ही मैं अपने घर के सारे काम या किसी भी तरीके के जो जरूरी खर्चे हैं वो पूरा कर पाऊंगी। और एक जो मनी है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर आज के समय में माना जाता है। ये जो नीड है इसकी वजह से ही मोटिवेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। मेरे ख्याल से अगर ये नीड्स ही ना हो तो शायद कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए प्रेरित ही नहीं होगा। लेकिन जब ये हमारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इन नीड्स के पूरी हो जाने के बाद जन्म होता है वॉन्ट्स का। वॉन्ट्स मतलब कि अब हमारी इच्छाएं। इच्छाएं मतलब जिनके बिना हम लोग जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहें कि शायद हमारी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए, उसे आरामदायक बनाने के लिए हमें उन वॉन्ट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो है वो मनी अर्न करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, उस पैसे से मुझे अपने सारी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। लेकिन अब उस पैसे को तो मैंने कमा लिया, अब मुझे अपनी कंपनी के अंदर अपनी एक प्रमोशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उस प्रमोशन के होते ही मेरी जो सैलरी है वो बढ़ेगी, मुझे लग्जरी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो अब वो जो मेरी नीड्स थी वो मेरी वॉन्ट्स के अंदर बदल गई। अब नीड को वॉन्ट में तो हम लोगों ने बदल दिया, लेकिन क्या वो पूरी होंगी? उससे जन्म होगा हमारे दिमाग में टेंशन का, तनाव का। तनाव कहने में तो बड़ा ही एक नेगेटिव वर्ड लगता है, टर्म लगती है, लेकिन है ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर किसी के जिंदगी में टेंशन्स ना हो तो शायद वो आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो इन वॉन्ट्स की वजह से हमारे माइंड के अंदर उन टेंशन्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, और उस टेंशन की वजह से ही आगे जो है हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब मुझे जो है वो प्रमोशन चाहिए, उस प्रमोशन को पाने के लिए, उस सैलरी को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगी? काम करूंगी, अच्छा काम करूंगी, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करूंगी। इसके लिए चाहे मुझे ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़े, अच्छे तरीके से अपना सारा काम करना पड़े, संसाधनों का बढ़िया यूज करना पड़े, तो मैंने उस वॉन्ट के लिए धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अब उस काम को करने के बाद सेटिस्फेक्शन, मैंने काम किया, उसके बाद उस काम से हमारे कंपनी के जो भी टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं,
दे आर हैप्पी विद अवर परफॉर्मेंस. वो अगर वो खुश हैं हमारी परफॉर्मेंस से तो वो मुझे क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे, मेरी सैलरी को बढ़ा देंगे. इट मीन्स मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिली और मेरी वो जो नीड थी वो मेरी वॉन्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई. क्योंकि सेटिस्फेक्शन के मिलने के बाद ही हम ये कहेंगे कि हमारी मोटिवेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी. क्योंकि अगर हमने नीड को वांट में कन्वर्ट करना है तो हमारे माइंड में टेंशन होंगी, उन टेंशन की वजह से हम लोग काम करेंगे और उस काम को पूरा करने के बाद अगर हमारा वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वहां पर हमारे अभिप्रेरणा की प्रक्रिया जो है वो खत्म होगी. इसे कहा जाता है नीड वांट सेटिस्फेक्शन प्रोसेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन. अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो है हमारी अभिप्रेरणा की तकनीक या तकनीकें, कि अगर हमने किसी कर्मचारी को मोटिवेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम लोग उसको पुश करें कि वो कंपनी के अंदर एक बढ़िया सा काम करे. सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन. पॉजिटिव मोटिवेशन सबसे पहले, इस मोटिवेशन के अंतर्गत हम कर्मचारियों को सकारात्मक तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे. ये प्रेरणा हम लोग किसी भी तरीके से उन्हें दे सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल दे सकते हैं, चाहे हम लोग नॉन फाइनेंशियल भी दे सकते हैं. इट इज अ टूल ऑफ क्रिएटिंग द इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द बेटर परफॉर्मेंस. ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टूल है जो हम लोग कर्मचारियों के माइंड में एक इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं कि उनके मन में उस काम को करने का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से. जैसे मैं आपको बताऊं कि आप पॉजिटिव तरीके के अंदर कुछ भी अच्छा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो कर्मचारी और ज्यादा खुश होकर अच्छा काम करें. जैसे टाटा डोकोमो ने मई 2012 में आईपीएल की जो टिकट्स थी वो अपने अच्छे कर्मचारियों को या वो कर्मचारी जिन्होंने कुछ टारगेट्स को अचीव किया था उन्हें दी थी. उनका ये जो तरीका है वो भले ही नॉन फाइनेंशियल था बट पॉजिटिव था, क्योंकि उन्होंने सकारात्मक तरीके से कर्मचारियों को प्रेरित किया कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको जो है आईपीएल जो मैच की टिकट्स थी वो उन्हें दी गई. ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जब हम उन्हें पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं. नेगेटिव मोटिवेशन, ये हमारी पॉजिटिव टेक्निक का बिल्कुल अपोजिट है. इसके अंदर हम लोग नकारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे. नकारात्मक तरीके मतलब कर्मचारियों को डराकर, धमकाकर, उन्हें किसी भी तरीके दबाकर हम उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी कर्मचारी जो है अगर वो संस्था के अंदर अच्छा काम नहीं कर रहा, बार बार हम उन्हें कह भी चुके हैं उसके बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो सैलरी है वो कट कर देंगे या उन्हें डिमोट कर देंगे या किसी बहुत ही दूर दराज के एरिया में रिमोट एरियाज के अंदर हम लोग उनके जो है वो ट्रांसफर कर देंगे. हालांकि ये भी मोटिवेशन का एक तरीका है, तकनीक है, लेकिन ये जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है लंबे समय के लिए बेनिफिशियल नहीं है. ये थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हो कि एक तरीका बन सकता है किसी भी कर्मचारी को मोटिवेट करने का. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. फाइनेंशियल मतलब आपने इसके अंदर कर्मचारियों को प्रेरित करना है उन तरीकों से जिन्हें मुद्रा के अंदर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. मनी, मनी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेटर माना जाता है. आज के इस आधुनिक युग के अंदर प्रत्येक कर्मचारी पैसे को कमाने के लिए ही कोई काम करता है, क्योंकि मनी से बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं, अपने ऐशो आराम जो है वो हम अपने आप को जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कर्मचारियों को प्रेरित करने का. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वो क्या तरीके हो सकते हैं. अगर संस्था के अंदर कोई भी कर्मचारी, ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है तो हम लोग उन्हें फाइनेंशियल मतलब उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, उन्हें हम लोग कमीशन दे सकते हैं, या कंपनी उन्हें ये कह सकती है कि हमें जितना भी प्रॉफिट होगा उस टोटल प्रॉफिट के अंदर आपको 5% जो है शेयर दिया जाएगा, या हम लोग उनको बोनस दे देते हैं. बोनस का मतलब है कि जो आपकी 12 मंथ्स की सैलरी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे. जैसे कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर एक हीरा व्यापारी ने दिवाली के मौके पर जिन कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्हें जो है कार जो है
गिफ्ट की थी। तो ये सारे मोनेट्री मतलब फाइनेंशियल मौद्रिक तरीके हैं जब हम कर्मचारियों को प्रेरित कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल की। नॉन फाइनेंशियल मतलब हमने अब उन्हें प्रेरित तो करना है लेकिन मौद्रिक तरीके से नहीं बल्कि अमौद्रिक तरीके से। अमौद्रिक तरीके अब कैसे होंगे? जैसे कि प्रेस कर सकते हैं आप लोग, सर्टिफिकेट्स उन्हें कोई भी दे सकते हैं, कंपनी की कोई भी उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं ताकि उन्हें लगे कि वो भी हमारी कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें जॉब की सिक्योरिटी देकर कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम जो है आपको जॉब से नहीं निकालेंगे, आपकी जॉब आप जो है हमारी कंपनी में सिक्योर हो, या उन्हें कुछ भी लग्जरी चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करवा के। आज से 2014 के अंदर टाटा डोकोमो ने 3 मंथ्स की टारगेट बेस के ऊपर बाली का ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया उन्हें जो है फॉरेन के अंदर बाली में भेजा गया ताकि वो कर्मचारियों को, क्यों किया गया? ताकि कर्मचारियों को जो है प्रेरित किया जा सके। उन्हें कैश नहीं दिया गया लेकिन एक ट्रिप उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया, टूर ऑर्गेनाइज किया गया ताकि जो है बाकी कर्मचारी भी उनको देखकर मोटिवेट हो और वो भी उनकी तरीके से उनकी तरह अच्छा जो है वो काम करें। तो ये तरीके हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल और ग्रुप मोटिवेशन। अब तक हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल और हमारे ग्रुप मोटिवेशन की। इंडिविजुअल मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से किसी एक ही व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हो, और ये अभिप्रेरणा हम लोग सिर्फ उसी कर्मचारी को देंगे जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहा है। मान लीजिए संस्था के अंदर कोई भी कर्मचारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, उसको बेस्ट इंप्लॉय ऑफ द का अवार्ड दे देंगे, तो इसका लाभ सिर्फ उसी कर्मचारी को मिलेगा जिस कर्मचारी ने अच्छा काम किया है, बाकियों को नहीं। इसका बिल्कुल अपोजिट ग्रुप मोटिवेशन। ग्रुप मोटिवेशन का मतलब है कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक कर्मचारी को नहीं बल्कि पूरे समूह के अंदर जितने भी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं सभी को इंडिविजुअली मोटिवेट ना करके ग्रुप में मोटिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेट मैच होते हैं, हम लोग जो टीम जीतती है, विनर टीम होती है, हम लोग उनको एक ट्रॉफी देते हैं, तो वो जो ट्रॉफी है वो हमारे ग्रुप मोटिवेशन का ही एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टेक्निक है ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या है ये मोटिवेशन, क्या है ये अभिप्रेरणा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारी वो अभिप्रेरणा है जो एक कर्मचारी के खुद के अंदर से नहीं बल्कि बाहरी वजह से आती है, बाहरी कारकों से प्रेरित होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसे नेम चाहिए, प्रेस चाहिए, फेम चाहिए, ईगो की वजह से। ये वो कारक हैं, ये वो तत्व हैं जो उसे अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक राइटर है वो एक बुक लिखता है, उसको बदले में रॉयल्टी मिलती है, नेम मिलता है, फेम मिलता है, इस वजह से उसने वो जो है काम किया। या मान लीजिए मेरे पास खुद की एक कार है लेकिन मेरी खुद की कलीग के पास कोई लग्जरी कार है। अब मुझे यह है कि अगर उसके पास वो अच्छे वाली गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मेरे पास भी वो चीज़ हो ताकि लोग जो हैं वो मेरी प्रेस करें। उनकी वजह से जब हम प्रेरित होते हैं तो उसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये हमारी वो अभिप्रेरणा है जो हमें प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि उन कामों को करके हमें खुशी मिलती है, हमें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उन कामों को करने का हमें शौक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को पुराने नोट्स या क्वाइंस इकट्ठे करने का शौक होता है, तो उस शौक की वजह से भी कई बार हम कुछ काम जो है वो करते हैं। या ये कहें कि कई बार हम अपनी सोसाइटी के अंदर जितने भी समाज कल्याण के कार्य करते हैं वो हम अपनी खुशी से करते हैं क्योंकि उनसे हमें संतुष्टि मिलती है। जैसे हमारे समाज के अंदर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने वो काम कोई नेम फेम पाने के लिए नहीं किए बल्कि लोगों के कल्याण के कार्य इसलिए किए क्योंकि उन्हें उन कामों को करने से संतुष्टि मिलती थी, उन्हें अच्छा लगता था। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर वो तत्व आएंगे जो हमारे लिए आंतरिक प्रेरणा का खुद का काम करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने मोटिवेशन का अर्थ क्या है उसके बारे में सीखा,
मोटिवेशन की विशेषताओं के बारे में सीखा, नीड्स वांट सेटिस्फेक्शन जो प्रोसेस थी उसके बारे में सीखा, और हम लोग कर्मचारियों को मोटिवेट किन किन तरीकों से कर सकते हैं उसके बारे में सीखा। तो आई होप, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे वैल्यूएबल टाइम दिया। हैव अ नाइस डे।